दोस्तों, पूरी दुनिया घूमने का मन किसका नहीं करता है, लेकिन क्या करें, अपने पास तो इतना पैसा ही नहीं है जो पूरी दुनिया घूम सके। ऐसे में इन सेलिब्रिटीज को देखकर थोड़ी सी जलन तो हो जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा है। लेकिन दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो चाहे कितना भी धन खर्च कर ले, कुछ ऐसे देश हैं जहां वो नहीं घूम सकते, क्योंकि उन देशों में उनका जाना मना है, यानी कि उन देशों में वो सेलिब्रिटीज पूरी तरह से बैन है। अगर आपको भी जानना है कि ये सेलिब्रिटीज उन देशों में बैन क्यों हैं, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस लिस्ट में आपके फेवरेट भाई सलमान भाईजान का नाम भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से सेलिब्रिटीज हैं। नंबर एक, जस्टिन बीबर। दुनिया के मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर को एक से ज्यादा देशों ने बैन किया है, जिसमें अर्जेंटीना और चाइना जैसे देश शामिल है। अर्जेंटीना से जस्टिन बीबर को इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि बैनोस अराइज 2013 के कॉन्सर्ट में स्टेज पर गाना गाते समय जस्टिन बीबर ने अर्जेंटीना के फ्लैग को अपने पैर और उसके बाद माइक स्टैंड से स्टेज से गिराने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्हें अर्जेंटीना ने बैन कर दिया। अर्जेंटीना में झंडे की डिसरिस्पेक्ट करने की सजा 4 साल होती है, और जस्टिन बीबर के ऊपर आज तक ये केस चल रहा है कि उन्हें 4 साल की जेल हो या ना हो, इसलिए अर्जेंटीना ने उन्हें अपने देश से बैन कर दिया है। वहीं चाइना की बात करें तो ये देश किसी भी सेलिब्रिटी को अपने यहाँ आने से पहले उनकी कुंडली यानी कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करवाता है। यही कारण है कि जस्टिन बीबर को चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि वो उन्हें एक बिगड़ैल एंटरटेनर मानते हैं। नंबर दो, लिंडसे लोहान। अमेरिकन एक्ट्रेस लिंडसे लोहान को किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि भारत ने ही बैन किया है, और उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म है झूठ, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झूठ। दरअसल में लिंडसे लोहान ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी कि उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिक की रेड में 40 बच्चों की जान बचाई है। उनके इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया इनकी प्रशंसा करने लगी, लेकिन मोहतरमा अपने इसी ट्वीट के बाद फंस गई, क्योंकि ये बात जा पहुंची इंडियन अथॉरिटी तक और उन्होंने इस बात की जांच करवाई। बाद में बात पता चली कि जब ये रेड पड़ी थी तब दीदी इंडिया में मौजूद ही नहीं थी, और यहाँ तक जब वो भारत में चाइल्ड लेबरिंग बच्चों और उनके रेस्क्यू के लिए बीबीसी के साथ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई थी, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में वर्किंग वीज़ा तक नहीं लिया था, यानी कि वो इंडिया में इलीगल वीज़ा पर एंटर हुई थी। बस इंडियन अथॉरिटी ने भी दीदी को रेड कार्ड दिखाते हुए उन्हें फिर कभी इंडिया आने पर बैन कर दिया। नंबर तीन, कैटी पैरी। अपने अलग अंदाज और अपने गानों से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली अमेरिकन सिंगर कैटी पैरी को भी एक देश ने बैन किया है, और ये देश है पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना। पाकिस्तान की इतनी औकात कहाँ है। हालांकि कैटी पैरी ने चाइना में या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोला कि जिससे वो गुस्सा हो जाए। असल में कैटी पैरी साल 2017 में अपने प्रिज्म टूर के लिए ताइपे एरेमा में परफॉर्म करने गई थी, जहां उन्होंने स्टेज पर ताइवानी फ्लैग की कैप और सनफ्लावर की कॉस्ट्यूम पहनकर शो किया था। लेकिन उनकी इस ड्रेस के चलते चाइना में बैठी गवर्नमेंट ने इस बात को सीरियस ले लिया और उन्हें चाइना में बैन कर दिया। है ना अजीब बात। आपको बता दें कि चाइनीज स्टूडेंट ने सनफ्लावर मूवमेंट में हिस्सा लिया था। ये मूवमेंट उन्होंने चाइनीज ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए किया था, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट को ये उन स्टूडेंट्स की इंसल्ट लगी, इसलिए कैटी पैरी को चाइना में बैन कर दिया गया। नंबर चार, माइक टायसन। दिग्गज बॉक्सर का नाम इस लिस्ट में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन माइक टायसन भी उन सेलिब्रिटीज में आते हैं जिन्हें किसी भी देश ने बैन किया है, और ये कंट्री है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, माइक टायसन जैसे दिग्गज बॉक्सर को न्यूजीलैंड ने अपने देश में आने पर बैन लगाया हुआ है। माइक टायसन के न्यूजीलैंड में बैन होने के पीछे की वजह
उन्हें मिली 6 साल की जेल है। ये सजा उन्हें 18 साल की लड़की का रेप करने की वजह से मिली थी, लेकिन उन्होंने ये सजा कभी पूरी ही नहीं की। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ इमिग्रेशन एक्ट के तहत 5 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले किसी भी शख्स को वीजा नहीं मिलता है। इसीलिए जब माइक टायसन डे ऑफ चैंपियंस नाम के इवेंट में बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहे थे, तब उनका वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें ये इवेंट अटेंड करने की अनुमति नहीं दी गई। नंबर 5, सलमान खान। अब यहाँ पर आप सभी के कान जरूर खड़े हो गए होंगे ये जानने के लिए कि आखिर आपके चहीते सलमान भाईजान को किस देश ने और क्यों बैन किया है। तो इसका जवाब है कि सलमान खान को ब्रिटेन ने बैन किया हुआ है और इसके पीछे की वजह उनका हिट एंड रन केस है, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने उन्हें वीजा नहीं दिया है। ऐसा ही कुछ संजू बाबा के साथ भी है। संजय दत्त को भी अमेरिका ने साल 1983 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और इलीगल गन्स रखने जैसे जुर्म में उनका नाम शामिल होने की वजह से अमेरिकी गवर्नमेंट ने संजू बाबा का वीजा रिन्यू नहीं करा है। तो दोस्तों, ये हैं वो सेलिब्रिटीज जिन्हें किन्हीं कारणों की वजह से किसी देश ने अपने यहाँ आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। ये सेलिब्रिटीज चाहे जितना भी पैसा खर्च कर ले, इन देशों में बिना परमिशन के घूम ही नहीं सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेलिब्रिटी का नाम आपको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल योर क्रिएटर्स अभी सब्सक्राइब करना होगा।